पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गया। जेटली ने एक ट्वीट कर विपक्ष को भारत सरकार की कार्रवाई पर एक सुर में बोलने की नसीहत दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जेटली को ट्वीट के जरिए ही जवाब देते हुए खुद आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे दी। अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि पुलवामा में सीमा पार से आतंकी हमला एक वास्तविकता थी। बालाकोट में आतंक विरोधी कार्रवाई भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया एक प्रीएक्टिव कदम था। विरोधी दलों से मेरी अपील है कि राष्ट्र को इस समय एक स्वर में बोलना चाहिए। कृपया इस बात पर चिंतन करें कि आप लोगों के द्वारा दिया गया गलत बयान पाकिस्तान द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश ने एक स्वर में सरकार की कार्रवाई को उचित मानते हुए उसका समर्थन किया है। फिर क्यों भारत के विपक्षी दल सरकार के इस आतंक विरोधी कार्य को राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मिस्टर जेटली, बीजेपी और उसके नेतृत्व को सचमुच आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। पूरा विपक्ष अपनी सेनाओं और सरकार के साथ खड़ा है। अमित शाह और पूरी बीजेपी ने हमारे शहीदों के बलिदान को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश की।